जानिए क्यों हो रहा बिहार में जमीन सर्वे और क्या है इसके फायदे। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में राज्य सरकार की तरफ से जमीन सर्वे का काम करवाया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जमीन सर्वे क्यों हो रहा है। कई लोगों को तो सर्वे की सही जानकारी भी नहीं है, इसलिए आज हम आपको बिहार में जमीन सर्वे क्यों हो रहा है इसके कारणों से अवगत करवाएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि होने वाले इस भू सर्वे से क्या फायदा होगा। कुछ लोग इस सर्वे का विरोध भी कर रहे हैं, तो हम आपको इसके विरोध होने का कारण भी बताएंगे। जमीन सर्वे होने का सबसे पहला कारण है प्रदेश में जमीन से होने वाले विवादों को खत्म करना। अक्सर जमीन के कारण कई विवाद और हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में सर्वे के जरिए जमीन के असली मालिक का पता लगाया जाएगा और उसे उसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में सरकार के पास भी इस सर्वे के तहत जमीन के सही मालिक की जानकारी पहुंच सकेगी और जमीन को लेकर होने वाले विवाद कम हो सकेंगे। इस दौरान जमीन मालिकों को पुराने खतियान की जगह नया खतियान भी दिया जाएगा, जिससे खतियान अपडेट रहे। पूर्वजों की मृत्यु के बाद नई पीढ़ी के बीच जमीन का बंटवारा करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन खतियान के अपडेट होने के बाद इस तरह की परेशानियाँ भी कम होंगी। इससे जमीन की खरीद बिक्री के समय होने वाले स्कैम से भी बचा जा सकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। कई लोगों की जमीन उनके दादा परदादा के नाम से है। सरकार के पास भी जिसकी जमीन है उसका रिकॉर्ड ना होकर उसके दादा परदादा की जमीन होने का रिकॉर्ड है, लेकिन सर्वे से जमीन आपके नाम पर अपडेट हो जाएगी। कई विशेषज्ञ बिहार में होने वाले भूमि सर्वे को लोगों के हितों में बता रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर लोग भूमि सर्वेक्षण में भारी गड़बड़ी की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वे को सही तरीके से नहीं करवाया जा रहा है। वे लंबे समय से अपने कागजात के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है, लेकिन जब तक लोगों के पास कागजात नहीं होंगे तो उसमें परेशानी होती रहेगी और कागज लेने के लिए लोगों को स्थानीय सरकारी अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी से ही संपर्क करना होगा। इसलिए जल्द से जल्द इनसे संपर्क करके अपने सभी कागजातों को अपडेट करवा लें। कई लोगों के पास दान में मिली जमीन भी होगी या कुछ लोगों ने किसी के जमीन पर कब्जा भी कर लिया होगा। ऐसे में क्या स्थिति बनती है, इसे भी स्पष्ट करना जरूरी है। कई लोग अपनी बेटी या अन्य किसी को जमीन दान में दे चुके हैं। जिन लोगों को जमीन दान में मिली है उनमें से कई लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है। ऐसे में यदि किसी परिवार ने जमीन दान दिया है और यदि वो वापस लेना चाहे तो मामला उस व्यक्ति के पक्ष में जा सकता है। इसलिए यदि आपको जमीन दान में मिली है तब भी आपको अपने जमीन का स्वामित्व दिखाना ही होगा। वहीं यदि किसी ने जमीन पर कब्जा किया है तो ऐसी स्थिति में सर्वे के दौरान उसका आधार देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि उस व्यक्ति के पास ये जमीन खरीदने के बाद आया है या इसे गिफ्ट में मिला है या विरासत में दिया गया है। इस दौरान भी इन्हें कागजात दिखाने ही होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आपकी तरफ भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।